यहाँ पर कॉट इन्वर्स एक्स है तो ये आपका पाई तक जाता है तो यहाँ बीच में पाई बाई टू हुआ ये पाई हुआ तो ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी और तुमको हम बताए थे कि ये कौशिक इन्वर्स एक्स में यू कर देंगे और इसमें यू कर देंगे तो हमारा सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा यानी यानि ग्राफ सबको आना चाहिए क्योंकि आगे चल के ये काफ़ी हमें जरूरत पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स का कौश इनवर्स एक्स का टाइन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स का कौशिक इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स का और इसी से अब हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे कि देखो इससे क्या होता है इससे डोमेन रेंज आपका क्लियर होगा अब इसका लॉजिक विकसित करना होता है एनालाइसिस एनालाइसिस हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स गौर से सब लोग देखेंगे और क्या पाएंगे ग्राफ का मेन ट्रेसिंग होता है तो यहां पर क्या पाते हैं तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स है और यहां पर तुम्हारे पास एक कॉस इनवर्स एक्स है ये एक जीरो है ये वन है ये माइनस वन है ये पाई, पाई है तो इसकी ट्रेसिंग में आप देखेंगे कि क्या पाया ये दोनों ग्राफ को जोड़ दो तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स हो गया और यहां पर कॉस इन्वर्स एक्स हो गया यानी ये दोनों भाई हो गया साइन इन एक्स और कॉस इन एक्स दोनों भाई हो गया दोनों भाई मिलके क्या कमाता है यह देखो अगर एक्स का वैल्यू तुम यहां पर माइनस वन रखते हो तो यह वैल्यू माइनस पाई बाई टू के पास है और यहां पर माइनस वन रखते हो तो यह वैल्यू पाई के पास है यानी दोनों को ऐड कर दोगे तो पाई बाई टू यानी एक्स का वैल्यू माइनस वन रखने से पाई बाई टू आता है अब जीरो रखने पर क्या आएगा ट्रेस करो जीरो पर यहां जीरो है और जीरो पर ये पाई बाई टू है यानी ये पाई बाई टू हो गया अगला यहां एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास ये वन है यहां पर और यहां पर यह वन रखने पर देखो ये पाई बाई टू है और पाई बाई टू और यहाँ वन रखने पर जीरो है अच्छा एक देखो तुम लोग को एक बात आया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है बोलिए आशीष जी क्या आ रहा है देखिए क्या आ रहा है गौर से देखिए क्या रहा पाई टू। पाई टू आ रहा है यानी ये फार्मूला का हम यूज कहू भी कर सकते हैं बोलो यस या नो लेकिन कहूं भी यूज नहीं कर सकते हैं इसका एक डोमेन डिफाइंड है कि जब ये एक्स का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू तो ये फार्मूला हम लोग किससे सीखे ग्राफ से यानी एक दूसरे का यह कंजुगेट है कंजुगेट का मतलब है होता है, यहां पर जो है कम्प्लीमेंट्री है सॉरी है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा यानी पहला एनालिसिस सभी स्टूडेंट को आया कि नहीं आया एक बार हम फिर से देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओम जी साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ आ गया ये का ग्राफ आ गया और दोनों के बीच में आप तो दोनों के बीच में प्लस कर दिए अब वैल्यू रख रख के आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपका तीन दिख रहा है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भी वैल्यू है तब एक्स बराबर माइनस वन रखे तो यहाँ माइनस पाई बाई टू और यहाँ पर माइनस वन रखने पर ही पाई है दोनों को ऐड करेंगे पाई बाई टू हो जाएगा जीरो रखने पर ये जीरो है और यहाँ जीरो रखने पर पाई बाई टू है तो पाई बाई टू हो जाएगा और x बराबर वन रखने में पर देखिए यहाँ वन पर पाई बाई टू है और यहाँ पर वन पर ये जीरो है तो पाई बाई टू हो गया इससे साबित हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस इनवर्स x पाई बाई टू होता है चलिए आशीष बाबू आपको यह बात समझ में आ गया यस सर आदिति जी यह बात समझ में आ गया नो no, सर क्या दिक्कत हुआ यही दिक्कत पाई तो कैसे आ जा रहा है ऐसे कैसे रख रहे हैं? देखिए यहां पर माइनस वन है एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो देखो इसका ट्रेसिंग पर ग्राफ इसका कहाँ है यहाँ है तो माइनस वन रखने पर देखो y एक्सिस के पैरेलल इसको खींच के देखो तो यहाँ माइनस पाई बाई टू पर है यानी एक्स का वेल्यू माइनस वन है तो यह माइनस पाई बाई टू है और ये वाला भलाई साहेब के पास माइनस वन रखने पर ये वाला वेल्यू देखो पाई के पास है यानी माइनस पाई बाई टू और पाई को ऐड करोगे तो पाई बाई टू ये बात समझ में आया इसी ढंग से एक का वेल्यू जीरो रखोगे यहाँ जीरो रखने पर यहाँ जीरो है और यहाँ पर जीरो रखने पर ये वाला देखो कहा है पाई बाई टू पर तो जीरो प्लस पाई बाई टू जोड़ोगे तो पाई बाई टू हो जाएगा और यहां वन, है, तो वन रखने पर देखो ये ग्राफ कहां गई हुई है पाई टू के पास और यहां पर वन रखने पर क्या है जीरो है तो पाई बाई टू प्लस जीरो पाई बाई टू अब आया बात समझ में जैसे दोनों ग्राफ को कंबाइंड करके आपको जोड़ना है आया बाबू बोलिए यस सर यस सर चलिए आशीष राठौर यस सर आ गया आदिति जी, ये, जी। गए अब अब लेट से ज्वाइन हुआ था लेट से ज्वाइन हुए थे फर्स्ट पेज है फिर से समझिए साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ पहले आपको आता है खींचने कल प्रैक्टिस किए थे yes.

इसके हाथ में साइन इनवर्स एक्स है और इसके हाथ में कॉस इनवर्स एक्स है अब देखोगे कि एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन रखते हो तो यहां पर रेड कर देंगे तो और बढ़िया से दिख लेगा एक्स बराबर यहां माइनस वन रखते हो तो माइनस वन रखने से देखो साइन इनवर्स एक्स वाला में क्या दे रहा है माइनस पाई दे रहा है माइनस पाई बोलो ये माइनस वन रखने से इसका ग्राफ कहा जा रहा है माइनस पाई बाई टू पर क्लियर हो गया और यही इसमें माइनस वन रखने पर ये पाई पर जा रहा है और ये सिंपल एडिशन है बाबू इसको जोड़ दोगे तो पाई बाई टू अब देखो एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो रखने पर यहां पर देखो ये बाई पर है जीरो पर तो जीरो लिख दिए और यहाँ पर जीरो रखने पर पाई बाई टू पर है तो पाई बाई टू और जीरो प्लस तो यहाँ तो यह यहां से यहां तक हम रख के देखा यहाँ से यहां तक रख के देखा तो यही डोमेन हो गया कि माइनस वन से लेकर वन तक रख के देखा तो क्या पाया प्रत्येक कंडीशन में पाई बाई टू यानी यह या फॉर्मूला तुम हमेशा के लिए यूज कर सकती हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन एक्स रहेगा तो पाई बाई टू होगा लेकिन कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन होना चाहिए ये करने आ गया बोलिए हर्षिता जी श्रुति श्रुति बाबू श्रुति बाबू Yes, एक आया करने ये एनलाइसिस देखो साइन इनवर्स एक्स का देखो सब लोग मेरी हाथ का इशारा समझो सुबह में उठो तो साइन इन वर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टाइन इनवर्स एक्स कॉट इन वर्स एक्स कॉशिक इनवर्स एक्स सेक इन वर्स एक्स यानी आपका ये ग्राफ में घूमना चाहिए जैसे कॉस एक्स ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए तो इससे आपका क्या होगा कि ये ग्राफ जब भी भी आएगा तो आराम से आप कर लेंगे श्रुति जी आया आपको बात समझ में बोलिए अगला पॉइंट हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं इसको इसको जोड़ दो यहां पर टाइन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स अब देखोगे कि टाइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ये माइनस पाई बाई टू होता है और ये वाला प्लस पाई बाई टू होता है तो यह माइनस इन्फिनेटिव से यह प्लस इन्फिनेटिव आती है यानी माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव और कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ये जीरो है यहां पाई बाई टू और यहां पर पाई तो ये लाइन खींच देंगे और ये प्लस इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव जाती है अब इसको चेक करना होगा यह ग्राफ सबको आना चाहिए बायां हाथ दायां हाथ ऐसे ऐसे कर देना है माने मैथमेटिक्स ही पूरे शरीर के अंग से मैथ्स निकलना चाहिए साइंस निकलना चाहिए ये निकलेगा कैसे जब उसकी ग्राफ तुमको अपने से करने आएगा तो अब देखोगे कि यहां पर तुम्हारे पास कैसे कैसे है तो देखो यहाँ पर हम चेक कहां, कहां कर सकते हैं चेक करने का तरीका कहोगे तो तुम बोल सकते हो सर अनलिमिटेड चेक कर सकते हो कैसे अगर ये माइनस इनफिनिटी पर होगा एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर होगा तो गौर से देखो श्रुति जी ये वाला माइनस पाई देगा देगा या नहीं देगा? ये माइनस इनफिनिटी पर है तो यहां पर देखो ये माइनस पाई बाई टू दे रहा है यस या नो आशीष जी दे रहा है yes, का yes, दे रहा है इन्फ, माइनस इन्फिनेटिव पर यह पाई दे रहा है यह दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ गया पाई बाई टू अब का वैल्यू जीरो रख के देखो तो यहां पर जीरो रखोगे तो यहां पर यह जीरो है और यहां जीरो रखने पर पाई बाई टू है अनुराग सिंह अनुराग सिंह यस सर दिख रहा है आपको ग्राफ यस yes, जीरो रखने पर टाइन जीरो दिख रहा है और यहाँ पर, yes, पर पाई बाई टू दिख रहा है दोनों को ऐड कर देंगे पाई बाई टू हो जाएगा और की yes, रखेंगे तो यह वैल्यू देखो पाई बाई टू दिख रहा है और ये वाला जीरो के पास है आप बताओ इससे साबित क्या हुआ जी श्रुति जी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं यह बताइए कि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए ऐड करके क्या आ रहा है प्रत्येक कंडीशन में बोलिए श्रुति जितने फाइव बाई टू आ रहा है लेकिन इसमें लिमिट है कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव हम समझते हैं कि ये भी ग्राफ सब लोग समझ गए बोलिए हर्षिता जी आया श्रुति जी Yes, सभी को आ गया अनुराग सिंह यस ऋषभ राठौर जी यस yes, आशीष जी यस yes, जितने सज्जन देख रहे हैं या देखेंगे सबको यह बात समझ में आए चूंकि मेन ग्राफ में एनालिसिस करना होता है कि इसका आउटपुट क्या होगा अब अगला देखो अगला क्या टॉपिक होगा इसी में बताओ यानी तुम लोग समझ गया होगा कि सर सेक इन एक्स को जोड़ेंगे तब भी कुछ होगा सर ये सिखाइए तो सेक वाला ग्राफ सबको आना चाहिए इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा दोस्तों मेन ग्राफ का रिवीजन जरूरी है क्योंकि ग्राफ रिवीजन नहीं लोग करते हैं यानी ये ऐसे जाता है और यहां से ऐसे जाता है ये सेक इनवर्स एक्स का है अगला कौशिक इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो यहां पर यह माइनस पाई बाई टू था और ये वाला पाई बाई टू था यानी यह ग्राफ जो है ये पाई बाई टू से इधर की ओर जाती है और ये माइनस पाई बाई टू से इधर की ओर जाती है यह ग्राफ आपने देख लिया है अब देखेंगे कि यहां पर अब लिखेंगे कि सेक इनवर्स एक्स कौशेक इनवर्स एक्स अब यहां एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव रखेंगे दोस्तों माइनस इन्फिनेटिव रखेंगे तो यह पाई बाई टू है और यहां पर माइनस इंफिनेटिव रखेंगे तो ये जीरो के पास है यानी ऐड होगा तो पाई बाई टू ध्यान दीजिएगा जीरो आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं यानी एक्स का वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो ये माइनस वन है ये प्लस वन है ये माइनस वन है ये प्लस वन है माइनस वन रखने से देखिए यह ग्राफ कहा गई है पाई के पास यानी ये पाई हो जाएगी और माइनस वन रखने से यहां देखिए ये माइनस पाई बाई टू और पाई माइनस पाई बाई टू जोड़ देंगे तो पाई बाई टू अब का वैल्यू वन रख के देखेंगे तो वन पर यहाँ जीरो है और यहाँ वन पर ये पाई बाई टू है यानी पाई बाई टू यानी इसी ढंग से एक्स का वैल्यू अगर इंफिनेटिव रखेंगे ये रखेंगे नहीं टेंस टू लिखाता है तो यहां पर पाई बाई टू रखेंगे तो यहां पर ये यह देखिए इंफिनेटिव रखेंगे तो पाई बाई टू के पास चला जाएगा और यहां पर इन्फिनेटिव रखने से जीरो के पास चला जाएगा यानी पाई बाई टू इससे साबित हो गया कि एक्स प्लस इज कल टू पाई बाई टू होता है लेकिन एक्स का जो वैल्यू होगा वह आपका माइनस इन्फिनेटिव से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनेटिव होगा यह बात आपको तीन तरीका जो सिखाया गया क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया आशीष जी आशीष जी यस yes, सर आ गया अनुराग सिंह ऋषभ जी यस yes, सर yes, आ गया हर्षिता जी यस सर श्रुति बाबू श्रुति बाबू यस सर आ गया आदिति जी सर मुझे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू तो पाई बाई टू तक ही समझ आया है क्योंकि मेरा कनेक्शन जो है ब्रेक हो गया था अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है okay. ये आ गया यहाँ देखिए हाँ चलिए हर्षिता जी आपको आ गया था यस yes, सर अब हम बात करेंगे कि आपको देखिए अदिति क्या करना है फिर से समझिए आपको पहले तो सेक इन्वर्स की ग्राफ खींच देना है जो कि तुमको पिछले क्लास में बताया गया है और यह प्रैक्टिस करते रहना है ये मत सोचोगे कि हम बायो का कैंडिडेट हैं ये ग्राफ बहुत माने रखता है ग्राफ नहीं जानेगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री समझने में दिक्कत होगा देखो कहां पर केमिस्ट्री में आपको जो आएगा थर्मोडाइनेमिक्स वो ग्राफ पर ही निर्भर करता है कि यह इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है और ग्राफ कैसा है तो इसलिए ये चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है इसलिए मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं ये मैथ जो सीखा जाता है वो ग्राफ ये सब आना चाहिए ग्राफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बारह बताए हैं सो ये सब सभी स्टूडेंट को आना चाहिए और जहां जिसकी दिक्कत रहेगा दोबारा तिबारा आपको बता दिया जाएगा आपको इसमें हाँ ओम बाबू ओम yes, sir. आ yes, sir. गया समझ में सर yes, इसको तुम होमवर्क बना के नहीं भेजता है कल तो मोबाइल बंद था तो किसी का नहीं चेक हुआ बंद नहीं था खराब हो गया था तो आज ठीक हुआ है तो ये करने आ गया सबको बोलिए अब इसके आगे yes, इसके आगे जो हम लोग को काम करना है इसी पर एनालिसिस करते चल जाना है यानी यहां पर तीन फार्मूला आपने देखा गौर से देखिए पहला एनालिसिस किया तो पाया कि साइन इनवर्स एक्स और यहां पर कौशिक इनवर्स एक्स को देखा ये वन बाई एक्स हो गया और एक्स का लिमिटेशन तुम डाल दिया था कि एक्स बिलोंग टू माइनस वन से वन यह देखो एक दूसरे का रिवर्स क्यों है इनवर्स क्यों है गौर से देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सबको कैसे होता है ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू और यहां पर तुम्हारे पास ही वन होता है आई माइनस वन होता है तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे होता है और कॉशेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है इसी का ठीक उल्टा इसलिए यह रिवर्स में है या आपका यहां पर देखेंगे तो यह तुम्हारे पास ये उलट गया है हम समझते हैं कि सब लोग यह बात को समझ गए लेकिन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए जल्दी बताइए माइनस वन से वन अब देखो मान ली पोस्ट क्वेश्चन बना रहे हो अब तेरे को दे दिया क्वेश्चन थीटा कल टू यहां दे दिया टू बाई रूट थ्री यानी यहां पर थीटा कल टू आपका हो जाएगा कौशिक इनवर्स टू बाई रूट थ्री अब यहां कौशिक इनवर्स की वैल्यू नहीं जानते हो तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो तो यानी यहां पर तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू और साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू की वैल्यू तू जानते हो क्या जानते हो पाई बाई थ्री बोलो निकला कि नहीं निकला ये क्यों पढ़ा रहे हैं सब लोग को क्लियर हो गया आपको ये नहीं जानेंगे तो यहां तक कि वेक्टर में ही फंस जाइएगा वेक्टर में हमेशा थीटा की वैल्यू निकालना होता है और आपको मैं बता दूं कि वेक्टर में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निमल निमन को एंगल नहीं निकलेगा कभी उनहत्तर डिग्री भी आया है कभी सत्तर डिग्री आया है तैतालीस डिग्री आया है तिरपन डिग्री आया है तो और मैथ इसमें तागड़ा होना चाहिए ये करने आ गया ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा है सब लोग को क्लियर हो गया ओम जी क्लियर हो गया बोलिए कैसे आया यस आप बतावा साठ डिग्री का वैल्यू कितना होता है साइन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू अब सिक्सटी डिग्री को रेट हाँ? कर देंगे तो पाई बाई वन हंड्रेड एट्टी हो गया तो यहाँ कट गया तो पाई बाई थ्री अब आ गया करने हाँ ठीक। आशीष जी आपको आगे ये फॉर्मूला क्यों पढ़ाया जा रहा है आशीष जी समझ में आ गया बोलिए आशीष जी सर आ गया अनुराग सिंह यस सर आ गया हर्षिता जी ये बार... और बार जरा सा बता दिया तुम लेट आए हो हर्षिता जी आठ पंद्रह मिनट आ गया आ गया श्रुति जी यस yes, सर आ गया आ गया अब अगली वाला में देखो हर्ष तुम्हारा जो है तो फिर क्लियर हो जाएगा सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दूसरी फॉर्मूलास okay, तो एक्स कल टू यानी कॉस इनवर्स एक्स की ग्राफ मुझबानी सबको आना चाहिए देखो मेरी एक ही चाहत है ना कि तुम लोग जो है ग्राफ का जैसे ही नामांकन किया तो तुम्हारी ग्राफ आ जाना चाहिए इतना प्रैक्टिस में करवा दूंगा ये आ गया इन्वर्स एक्स का तो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा यहां वन है यह अनुराग अनुराग यहाँ ये माइनस अनुराग सिंह अनुराग बाबू यहां से ऐसे हो जाएगा और यहाँ से यह ऐसे हो जाएगा देखो एक दूसरे का ही उल्टा है सब लोग देखो चश्मा लगा के उल्टा है कि नहीं है ये जा रहा था ऐसे yes, ये जाया ऐसे ये जा रहा था ऐसे तो ये चला गया ऐसे तो यानी इन भर्स में है रेसिप्रोकल में है लेकिन ये कब लागू होगा जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन तक होगा यानी देखो इसकी डोमेन का भी ध्यान में रखना है यह बात देखो मैं यूनिक यहां पर बात बता रहा हूं लोग कभी कभी गलत कर देते हैं इसकी देखो आपकी डोमेन इसकी गौर से देखो डोमेन आपकी थी माइनस वन से वन तक और रेंज कहां से कहां तक आई थी जीरो से पाई तक जीरो से पाई तक रेंज आई थी और इसकी क्या आई थी डोमेन माइनस इनफिनिटिव से माइनस वन यूनियन वान दे से इनफिनिटिव तक और इसकी रेंज क्या हुई थी जीरो से पाई और इसमें नहीं हुआ पाई बाई टू यह तो आपको दिख रहा है कि पाई बाई टू पर ही टच नहीं किया है यह बात बिल्कुल अच्छी ढंग से आप लोग को दिख रहा है यानी यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा और फिजिक्स में यह क्वेश्चन अदिति बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए यह फिजिक्स में जो है थीटा का अहम भूमिका होता है किसका अहम भूमिका होता है जल्दी बताइए थीटा का फिजिक्स में अगर थीटा हटा दिया जाए तो फिजिक्स अधूरा हो जाएगा फिर से बताइए अधिति जी बताइए फिजिक्स में कौन सा क्योंकि मेडिकल रेशियो को काफी इंपॉर्टेंट है जल्दी बताइए सब लोग कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा।, थीटा का कॉस थीटा सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉस थीटा भयानक रूप में है उसका रेंज जानो कि जीरो से पाई है यानी यहां पर देखो गलती क्या होता है यह बात को तुम समझोगे तो तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा कि इसमें गलती क्या होता है तो कॉस थीटा बहुत अहम भूमिका में लेता है तो देखो कॉस थीटा का जो आपको वैल्यू निकालना है यह हमेशा जानिएगा कि अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट घर और निगेटिव होगा तो सेकेंड घर याद रखिएगा और निगेटिव होगा तो सेकेंड घर और सेकेंड घर में होगा तो पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस होगा पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस थीटा होगा पाई माइनस थीटा होगा यह बहुत अहम भूमिका में निभाता है समझ गए सेकेंड घर में होगा तो पाई माइनस थीटा होगा लेकिन ये आ गया सबको करने अगर पॉजिटिव है जैसे तुम्हारे पास कॉस थीटा निकालोगे वेक्टर में तो आ गया रूट थ्री बाई टू तो यहाँ पर देखा सर पॉजिटिव है मजा आ गया सर तो यानी यहाँ पर थीटा इज कल टू आपका हो गया पाई बाई सिक्स क्योंकि ये 30 डिग्री का वेल्यू है 30 डिग्री का वेल्यू है लेकिन यही अगर cos थीटा इज कल टू माइनस रूट थ्री बाई टू आ गया तो ये चला गया सेकेंड घर में चला गया सेकेंड घर में और सेकेंड घर में होता है पाई माइनस थीटा तो ये पाई बाई सिक्स है और पाई पाई माइनस सिक्स यानी फाइव पाई, पाई बाई सिक्स अब मेरी बात समझ गया होगा जो फिजिक्स में एंगल निकालने के लिए पूछता है एंगल निकालने के लिए पूछता है तो वहां पर कॉस थीटा अहम भूमिका में आता है यानी फर्स्ट घर में रहेगा फर्स्ट घर में रहेगा तो प्लस होगा और सेकेंड में माइनस रहेगा तो सेकेंड घर में होगा ये करने सबको आ गया बोलो यस या नो तो अभी हम लोग देख लेते हैं yes. कितने बचे हैं टाइम अभी बचा है दो मिनट अच्छा तो इसलिए आप लोग स्क्रीन शेयर अपना अपना ले लीजिए फटाफट फट पेज का और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी लिया जाए फर्स्ट पेज को लीजिए इसको अच्छे से नोट्स बना करके बात करना है और फिर तुरंत जुड़ेंगे तो कॉट और टैन के बारे में सिखाया जाएगा नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव हाईवे पेज तक है सब लोग तुरंत जुड़े दूसरे दूस तुरंत जुड़े